May 24 की स्ट्रैटेजी जाननी है, मैं बता दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। ओके देखो, यू हैव 4 मंथ इन हैंड। इफ यू बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर द 4 मंथ, टेक वन पर्टिकुलर डिसीजन दैट यू वॉन्ट टू अपियर फॉर वन ग्रुप और बोथ ग्रुप। दैट इज वन ऑफ द क्रूशियल डिसीजन यू हैव टू टेक बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन ऑफ द 4 मंथ। आई एम अज्यूमिंग फर्स्ट दैट यू आर टेकिंग फर्स्ट ओनली वन ग्रुप। Let us assume you are taking only one group. How you will be study? There are 3 subjects. If you allot first reading to the each subject of 15 days, then you will be allotting 6 days, and then you will be allotting 2 days or 3 days according to your plan, your backlogs. I am assuming that you have completed your classes. If any classes are pending, go for one group. So, on 30th December at 3 p.m. I am bringing self-paced module discussion and how to study and क्या process हो रही है, ICI ने क्या declaration दिया है and how to study and how to crack this exam, what are the criteria and zero से लेके पूरा बताऊंगा मैं। Come and join the session. Only don't go for both groups and if you can take risks then go for both group, no issue. मैंने कैसे बताई आपको आगे 15 दिन का बताया, 6 दिन का बताया और फिर 2 से 3 दिन का बताया। 15 15 15 45 days, 6 6 6 18 20 दिन, 65 days एंड 3 3 3 9 दिन, समझ लेते हैं हम 80 दिन। तो 80 दिन जैसे 90 दिन है ना, 3 महीना में 90 दिन होते, बट 80 दिन का बता रहा हूँ। जनवरी तक जो भी ट्यूशन बाकी है ख़त्म कर लो। दिस अप्लाइज टू द बोथ सिंगल फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, सिंगल सिंगल ग्रुप। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द बोथ ग्रुप्स, आई विल बी सजेस्टिंग यू थोड़ा सा टाइम कम करना होगा, 12 दिन करना पड़ेगा। 12 12 12 करके 12 6 72 days हो जाएगी आपकी, एंड आपको 12 करके करना होगा, फिर आपको 4 4 करके करना पड़ेगा। ऐसे करके 4 4 करके करोगे तो 24 हो जाएगी, 3 3 करके करोगे 3 6 18, 12 12 12 करके करना एंड 3 3 3 करके करना। 12 एक सब्जेक्ट को 12 दिन करके करना तो 12 into 6 72 days, एंड फिर आप एक सब्जेक्ट को 3 दिन करके करना सेकेंड रिवीजन में, 3 into 6 18 दिन, 72 days प्लस 18 दिन आपके हो जाएंगे 90 दिन। एंड जो जनवरी में ट्यूशन बाकी है उसको ख़त्म कर लो, और कोई ट्यूशन यदि बाकी नहीं है, कोई ट्यूशन बाकी नहीं है तो जनवरी में क्या करो, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा के ख़त्म कर दो। थ्योरी सब्जेक्ट को हमेशा लास्ट में रखना। मैं यही कहूँगा कि थ्योरीज आर इम्पॉर्टेंट, थ्योरी को डेली बेसिस में कर सकते हो ठीक है, वरना लास्ट में रखो। प्रैक्टिकल नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो ट्राई टू कीप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन फ्रंट बेस एंड थ्योरीज इन बैक बेस। मैंने बता दिया कैसे करना है। देखो, 2 रिवीजन तो माननी पड़ेगी मिनिमम। सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो तो 3 रिवीजन मान लेना, दोनों ग्रुप के लिए जा रहे हो तो 2 रिवीजन मान लेना। एक हर सब्जेक्ट का एक एक पेपर सॉल्व कर लेना बिफोर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम टू मेक यू सेल्फ कम्फर्ट। MTP RTPs में यदि आप बोलते हो कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना है, तो मैं बोलूँगा यदि टाइम मिलता है MTPs देख लो, RTPs सिर्फ करंट अटेम्प्ट का देखो, प्रीवियस अटेम्प्ट की देखने की ज़रूरत नहीं है। और MTPs लास्ट 3 अटेम्प्ट का देख लो, और उसमें से सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लो, और बस इतना ही है। एंड जो मटेरियल फॉलो कर रहे वही करो, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन द मटेरियल ऑफ ट्यूशन काइंडली रिफर योर ICI मॉड्यूल। ICI फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा ICI मॉड्यूल के हिसाब से ICI अपना सेट करता है पेपर, तो काइंडली रिफर ICI मॉड्यूल। दिस वर द सिंपल स्ट्रैटेजीज फॉर May 24। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आउट। इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।